बाल खराब हो गए, पता नहीं आज सुन पानी मैंने डाला। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। एंड मेरे पास एक बहुत अच्छा एक थॉट है आप लोगों को बताने के लिए। एक्चुअली इट्स नॉट अ थॉट, इट्स अबाउट साक्षी'ज लाइफ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी धंजल और मैं हूँ मुल्की, मैं कर्नाटका में, मैं आई हुई हूँ सर्फिंग ट्राई करने के लिए, जो कि मैंने आज करी नहीं है। मेरे पीछे है वह कौन सी नदी है, पीछे कौन सी नदी है मेरे पीछे? ये नदी नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो झील है। झील है, क्या नाम है झील का? ये मालूम नहीं। ना आपको भी नहीं पता, आप यहाँ बैठे कितने सालों से रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो यार 6 महीने हो तो आज गाइस मैं जाऊंगी काइकिंग के लिए। कुछ तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, कुछ मिस किया है तो ट्राइंग द पास्ता यहाँ पे। एंड ये है कुछ लोकल शरबत आज़म जो कि बना हुआ है आंवला का। एंड हम बैठे हुए हैं रिवर के पास। इस रिवर का नाम तुम्हें पता है, मैंने जस्ट अभी शेयर किया था इस रिवर का नाम क्या है। अलकनंदा तो नहीं है कम से कम? नहीं, दिस इज नॉट अलकनंदा, दिस इज लास्ट चांस आई एम गिविंग यू कि इस रिवर का नाम बताओ मुझे फटाफट। इस रिवर का नाम है, तो मैं तो मैप में चेक करूंगी हमेशा की तरह, शंभू करके कुछ नाम था इस रिवर का। मेरे सामने ना ये दोनों पक्षी हैं, इनको क्रेन शायद कहा जाता है। ये सारे के सारे फिशेस पकड़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ ना क्रैब्स के बच्चे भी घूम रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्रैब्स हैं। आई एम नॉट श्योर कैमरे में दिखेंगे कि नहीं, बट कल यहाँ मैंने जेलीफिश देखी। अगर मेरा आज लग रहता है दिन में तो आई शो यू कि रात को नहीं दिखती। और इस टाइम यहाँ पे ना बहुत सारी फिशेज होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ की फैसिलिटीज बताती हूँ। यहाँ पे 5 ऐसी चीज़ें जो आप परफेक्टली कर सकते हो, सर्फिंग। सेकेंड इज कायकिंग, थर्ड इज आपका स्टैंड अप पैडलिंग, और पता है बेस्ट पार्ट ये खुद सिखाते हैं। देन फोर्थ कमिंग टू दी साइकिलिंग, अगर आप साइकिल के फैन हो। और उसके अलावा आप बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स बना सकते हो। 2 मिनट्स, हाउ इज एक्सपीरियंस हेयर? इट्स बीन प्रीटी गुड। सो सिंस हाउ लॉन्ग यू आर हेयर? ओके, एंड तब से यू आर डूइंग दिस सर्फिंग एंड ऑल? Yeah, I started on Saturday. And how? Abhi to I think it's going amazing for you. Yeah, pretty good. I learned pretty quickly. So what do you do for a living, by the way? I'm a business consultant. Wow, that's awesome. So you can work from anywhere. Yeah, I can. I work from anywhere. Wow, nice, yaar. Thanks. So let's go further. हमारे यहाँ पे मतलब ये आई एम नॉट श्योर इसको क्या कहते हैं, बट आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि लोग इस पर पूरे दिन सोए रहते हैं। और इसके अलावा आप इस पर चल सकते हो। रमन, कैन यू जस्ट वॉक ऑन दिस? आई गिव यू 500 रुपीज। नो आई कांट। ट्राई नहीं ना, ट्राई ना, ट्राई। आई होल्ड यू, आई होल्ड यू हैंड। हाँ, 3, 2, 1। हाँ, लग जाएगी नीचे, नहीं लगेगी, नहीं चुभेंगे। एवरीबडी डू इट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग। हाँ, वहाँ से स्टार्ट नहीं करते। सो इफ यू नीड माई हेल्प, ओके लेट्स गो फर्दर देन। ये चीटिंग है रमन। जैसे कि गाइस आप देख रहे हो, इससे होने तो वाला है नहीं। 500 रुपये ही है रमन, इट्स ओके। So guys, so मतलब ये इनका जो है ना, इनका सबसे बेस्ट स्टे में से एक है। ये प्राइवेट विला काइंड ऑफ, जहाँ पे फॉरनर्स रुके हुए हैं और हम नंगे पैर घूम रहे हैं। इनके हिसाब ने अगर मेरा गोकर्णा के 5 बीचेस वाली वीडियो मिस करी है तो प्लीज उसको देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक में 2 बैठ सकते हैं, देयर इज समथिंग ऑप्शन विद दैट। अच्छा, कौन से वाले में बताओ? बड़े वाले में। बड़े वाले में चल, विल ट्राई बड़ा वाला। सो हम जा रहे हैं काइकिंग के लिए। हमने वेयर करी सेफ्टी जैकेट्स, पानी
ना के बराबर था, फिर भी सेफ्टी जैकेट पहनना यू नो वॉज इम्पॉर्टेंट. पानी गर्दन तक है जो पीछे रिवर बह रही है ना, आपको पता होगा इस रिवर का, लास्ट व्लॉग में शेयर कर रहा था. नहीं पता तो जाके लास्ट व्लॉग देखो पहले. तो इट वॉज एक्चुअली गोइंग टू बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर माई लाइफ. देखते कैसा जाता है. सो गाइस ये टाइम हम काइकिंग कर रहे हैं. दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम काइकिंग. यहाँ पे काइकिंग करना बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या पॉइंट है कि पानी जो है ना वो बहुत ऐसा है कि आप अगर गिरते भी हो या पलटती भी है ना तो पानी का लेवल बहुत कम है. लाइक घुटने तक है, ज़्यादा नहीं है. एंड ये पूरा समुंदर का पानी है, नमक वाला. साची गिरना पसंद करेगी? नो वे प्लीज. नहीं बिल्कुल भी नहीं प्लीज. साची मास्टर को भी बुला रहे हैं. लोग बुला रहे हैं हमारे को. हम लास्ट सीजन के साथ हम रह रहे हैं वो. सो सनसेट हो रहा है. सिर्फ हम दोनों ऐसे पागल हैं जिन्होंने जो डबल बोट लेकर आए हैं. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तीन तीन लेकर आए हैं. हाँ मैं मजाक कर रही हूँ. नहीं बना रही हूँ चूचू, मैं दिखा रही हूँ लोगों को, तुम चुप करो. सो वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो तीन तीन भी लेकर आए हैं. यहाँ पे ना ये लोग मिट्टी भर रहे हैं समुंदर की. आपको पता होगा समुंदर की मिट्टी कहाँ यूज़ होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ. ये तो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी. समुंदर की मिट्टी कहाँ यूज़ होती है, घर बनाने में यूज़ होती है? नहीं एक्चुअली वो घर बनाने में यूज़ होती है. मैंने वही बोला. तो तुम पहले जवाब दे दो. जनता को जवाब नहीं देने देगा ये मेरी. हम कुछ उस आइलैंड से आए हैं. बोलो उस एरिया से आए हैं. मेरा घर दिल्ली के किसी कोने में बसता है. सो गाइस बेसिकली हम लोग बीच सनसेट देखने आए हैं. सो मैं पानी के अंदर नहीं जाने वाली क्योंकि मुझे डर लगता है, मेरे को स्विमिंग नहीं आती. बट रमन नोज द स्विमिंग सो ही इज गोइंग टू गो इनसाइड वाटर. इतना अच्छा लगता है ना जो समुद्र की लहरें आके आपके पैरों से टकराती हैं. सच बताऊँ तो एक अलग सा सुकून सा मिलता है. ऐसा लगता है सारी टेंशन जो है ना वो टाइम के साथ जा चुकी हैं. बट ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था. वो काइकिंग वर्थ करती थी. पता है यहाँ से लोग रुकते हैं, वो रोज़ काइकिंग के लिए जाते हैं. अगर आप सर्फ मंत्रा आते हो तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप करना प्रिफर करोगे? वेल इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर आप इनको मतलब यू नो कॉन्टैक्ट कर सकते हो. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye.